बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हजरते मोमिन, जैसे कि मुहर्रम के अय्याम अज़ा के आगाज़ के सिलसिले में हर साल रियासती हुकूमत की जानिब से खुसूसी इजलास इंतज़ाम माह मुहर्रम किया जाता है। आज 3 जुलाई बरोज़ पीर, आज 14 बकरीद को यानी कि चाँद की दिलिजा की 14 को, ये अच्छी बात है कि 16-17 दिन कबल मुहर्रम का इंतज़ाम के लिए इजलास तलब किया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी जनाब महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर, जनाब माइनॉरिटी मिनिस्टर के अलावा जनाब वक्फ बोर्ड चेयरमैन और हज कमेटी चेयरमैन, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन, इनके अलावा तेलंगाना स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड के रुकन जनाब मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब के अलावा जनाब अहमद पाचा कादरी साहब, जनाब रहमत हुसैन साहब MLC, जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC के अलावा जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब, जनाब जो तो मोजम नवाब साहब MLA, ये हजरात के अलावा मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी भी शिया मसाइल लेकर पहुंचा। इस इजलास में जो तो हॉनरेबल कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद साहब के अलावा DCP साउथ जोन और एडिशनल कमिश्नर और RR कमिश्नर, साइबराबाद कमिश्नर, रच्चाकुंटा के तो एडिशनल कमिश्नर भी इस इजलास में शरीक थे। तमाम मुहर्रम के इंतजाम और जुलूसों के लिए पुलिस महकमे ने बताया कि हमारे पास तमाम इंतजाम की लिस्ट है और इंशाल्लाह उस लिस्ट के हिसाब से मजीद बेहतर से बेहतर इंतजाम करेंगे। अगर इसमें बारिश का मौसम है, बारिश के लिए भी क्या ज़रूरत है, उस पर भी रोशनी डालेंगे, सिक्योरिटी के इंतजाम करेंगे और हर आचूर खाने जात पर जहाँ खसूसी है वहाँ पर पुलिस पिकेट डाला जाएगा। और इस जमन में जो है अहमद नदीम साहब ने कार्रवाई चलाई और इस पर खुसूसी तौर पर मुख्तलिफ महकमे जात के जो लोग आए थे उसमें जोनल कमिश्नर साउथ जोन ने बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मोहतरम की नुमाइंदगी और उनके लेटर्स को जो पिछले 2 माह कबल उनके पास पहुंच चुके थे, जिसको उन्होंने जो है तो आज तमाम उनके जो तो बताए हुए कामों को मंजूरी दी, जिसका लगभग 6.5 करोड़ रुपए एक हो रहे और 1.5 करोड़ रुपए अलग थे। इस तरह से तो 8 करोड़ रुपए की तकरीबन काम जो है तो मुख्तलिफ ग्रेटर हैदराबाद के आचूर खाने जात की तामीर तरमीम और वहाँ के दरपेश मसाइल को हल करने के लिए। इनके अलावा जो है तो रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से जनाब मसीउल्ला साहब और CO वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हाथी की आमोदरफ के लिए 4.5 लाख रुपये और इसके अलावा जो है 50 लाख रुपये मुहर्रम के जिन सबीलों, अंजुमनों, आचूर खानों वगैरह के मुजाविरिन को नजराना दिया जाता है, वो भी जो है तो इंशाल्लाह ऑनलाइन जो है तो उनकी दरख्वास्तें ली जाएंगी और ऑनलाइन उनके अकाउंटों में मुहर्रम से पहले या 2-3 मुहर्रम के अंदर ही तमाम को दी जाएंगी। इसके अलावा हैदराबाद के अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को भी मिनिस्टर साहब और महमूद अली साहब माइनॉरिटी मिनिस्टर ने उनको इत्तला दी कि हम डिस्ट्रिक्ट में भी 30 डिस्ट्रिक्टों के कलेक्टर्स को भी हिदायत दिए कि मुहर्रम के इजलास तलब करें और इजलास में मुहर्रम के इंतजाम का जायजा ले, उनके लिए जो जो भी मसाइल वो ले। इन्हीं के साथ साथ जो तो जू के वहाँ के क्यूरेटर साहब भी तशरीफ लाए थे। उन्होंने कहा कि हाथी जब ट्रॉल के रख लिए, हमारे पास 4 टीमें हैं, हाथी हैदराबाद में आने के बाद में कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास रखा जाएगा, वहाँ पर भी उसकी निगरानी की जाएगी और 10 मुहर्रम को यूम आचूर के मौके पर जुलूस को जो है तो निकलने के रास्तों पर जू के अहदेदारान और जू की खसूसी टीमें, डॉक्टर्स वगैरह सब साथ में रहेंगे। ये हाथी जो है तो वही हाथी है जो महाराष्ट्र से आएगा और हर साल की तरह जिस तरह से बड़ी अच्छी तरह से आ रहा है माधवी को ही जो तो इस साल रखा गया। मैं आपको इस बताते चलूँ कि यह तो मीडिया के सामने कि मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी ने भी कई एक आचूर खाने जात के मुतालबात रखा, जिसमें पुराना पुल का आचूर खाना, पंचभाई आचूर खाना, गुलकुंडा आचूर खाना, गौलीगोड़ा गुरुद्वारा, चमन के पीछे शहजादे खातिम का आचूर खाना, गुरुद्वारे के सामने फजेलाल साहब का आचूर खाना, शहजादे खातिम का आचूर खाना के अलावा मोइनाबाद के तो आचूर खाना और मोइनाबाद की मस्जिद और आचूर खाने की भी नुमाइंदगी की। अच्छी बात तो ये रही कि इसमें यह तो इलेक्ट्रिक के अहदेदारान ने बताया कि आचूर खानों के करीब जो बड़े आचूर खाने आ जाते हैं जहाँ पर कसरत से जो तो जायरीन आते हैं वहाँ पर जो तो लाइट के ट्रांसफार्म जो है तो 1 से बढ़ 2 जो तो हम डालेंगे और रेडी रखेंगे और इसके लिए खसूसी हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम दारू शपा ग्राउंड पर भी रखा जाएगा, दारू शपा ग्राउंड के पास।
और उसके अलावा जो है तो सरदार महल में भी जो है तो रखा जाएगा, जो उसकी इतला मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, वक्फ बोर्ड के थ्रू आवाम को इतला दे दी जाएगी हसबे ज़रूरत। और फायर सर्विस की जानिब से भी ये इतला दी गई कि 10 मुहर्रम और उसके अलावा 2 महीने 8 दिन हम खसूसी जो है तो फायर सर्विस का इंतज़ाम कुली कुतुब शाह जो है दफ्तर के पास, वहाँ पर हम फायर सर्विस का एक फायर सर्विस को रखेंगे और 10 मुहर्रम को भी मुख्तलिफ मुकामात पर रखेंगे। इन तमाम के बार बार आपके लिए तलाक के 4,97,00,000 रुपए भी एक जो तो वक्फ बोर्ड ने गारंटी नेट, ये एक गारंटी नेट एक गवर्नमेंट से जारी होता है, ये अकबरुद्दीन अवेसी साहब की तरफ से जो जियो जारी हुआ था, जो साबिक में जो तो कई साल से वो पेंडिंग था, उसमें 4,97,00,000 रुपए में जो है कई एक आशुरखाने और मजाजिदे हैं, दरगाहें हैं, जिसमें खसूस तौर पर जो तो मैं आपको बता दूं कि बारगाह अली और पुरानी हवेली आशुरखाना और बीबी का अलावा 12 लाख रुपए और आशुरखाने सैयदा कौनैन शौकत मिंचन को 5 लाख रुपए, इनके अलावा बीबी के चश्मे को 20 लाख रुपए के, और जुमला 5-6 और आशुरखाने जाते हैं, किले के भी आशुरखाने जाते हैं और मजाजिदे हैं, उनको जो तो ये पहली मर्तबा मुहर्रम से पहले 4,97,00,000 रुपए का जो है तो एक खसूसी जो है तो ग्रांट जारी करते हुए इनके अकाउंटों में दिया जा रहा है जो 4,97,00,000 रुपए का। इसके अलावा रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब और अलमदार वाला जाई मुख्तलिफ जो तो नुमाइंदगियाँ वो लोग भी किए, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब की जो नुमाइंदगियाँ थे इसको बड़ी खूबी थे, बड़ी अच्छाई थे, कमिश्नर बल्दिया के पास रियाजुल हसन साहब MLC साहब पहुँच कर उसको पूरी जो तो फाइल बताए हमको और देखे हमने कि 6 करोड़ का जो तो मंजूरी मुख्तलिफ आशुरखाने जाते उसमें 25 से 30 आशुरखाने हैं, और मुहर्रम में पानी पानी की सप्लाई सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद के है या तेलंगाना स्टेट के? ग्रेटर हैदराबाद के, और ग्रेटर हैदराबाद के, इसके अलावा हॉनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो तो ये हिदायत दे चुके हैं कि आज के इजलास में 30 अजला में जो तो जहाँ जहाँ कलेक्टर है, जहाँ जहाँ आलम मुहर्रम के खसूसी एहतमाम होते हैं उसका भी जो तो आप ये किए। इस मीटिंग में तो अंजुमन मुतवल्लियाने कमेटी के सदर के अलावा दीगर जो तो मखसूस शख्सियतों को मधु किया गया था, और हमने भी जितनी नुमाइंदगियाँ की थी उस नुमाइंदे को भी कबूल किया गया। 50 लाख रुपए जो आपने कहा था, इससे पहले लास्ट ईयर में भी कुछ 26 लाख रुपए भी कुछ बैलेंस थे, तो ये जो 50 लाख रुपए है वो 2021 के 50 लाख रुपए जो बचे थे वो 2021 के 50 लाख 2022 में जो तो शामिल किए थे, तो उसमें 26 लाख खर्च हुए थे, माँ बाकी 20 लाख कुछ बचे थे वो जो तो कुछ दीगर आचुरखाने जात के लिए जश्ना मल्लिशा वगैरह तिलमलगिरी के पास जो आचुरखाने उस पर खर्च कर चुके बचे। इस साल जो है तो इंशाल्लाह जो 50 लाख मिलेंगे उसमें मजीद जो है आचुरखाने जात की तो तामीर तरमीम यानी चुना आप पाची वगैरह सभी लोगों के लिए अंजुमन और वाटर वर्क की जानिब से तो तमाम सभी लोगों पर 1 लाख बॉटल खसूसी मखसूसी के टाइम पर तकसीम किए जाएंगे, पानी के बॉटल, पाकिट नहीं, पानी के बॉटल हर सबील पर 1-1 लाख एक लाख पानी के बॉटल जो तो तकसीम किए जाएंगे। 50 लाख रुपए में हामिद जाफरी साहब ये हाथी इसके अंदर ही है? जी नहीं, हाथी जो आ रहा है बड़ी अच्छी खुशी की बात है। इस सिलसिले में CB आनंद साहब ने जो तो बड़ी खुशी का मसरत का इजहार किया कि हाथी हर कोई मंगाना चाह रहा है लाले रहे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, लेकिन मैं उनको सख्त वार्निंग देता हूँ, जिस तरह से आज मुहर्रम के तो लिए हाथी का तो जो हमको जियो होना है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट और कोर्ट की हिदायत के मुताबिक, तो वो जियो कॉपी भी उन्होंने जो तो अभी हमारे उसको बताया, पब्लिक में भी बताए, और वो जियो आ गया। जियो की नुमाइंदगी भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब ने किया, जिसकी तो पैरवी और जिसको कामयाबी हासिल की जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब ने। मैं इन चंद ख्यालात के साथ और भी मजीद कोई भी आचुरखाने जात के मुतवलियान वगैरह अपने मसाइल है तो मुझ तक पहुँच सकते हैं। मिटपल्ली आचुरखाने का भी हमने तस्करा किया अंबरपेट के आगे उपल के आगे उसका भी। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी मीडिया और प्रेस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज के इस इजलास में शरीक थे।